ये देखें, ये है हमारा कार्ड जी। तो ये आप मुझे दे देना, लाए लाए इधर दे दें। आप क्या करेंगे, लाए लाए जल्दी दें जल्दी दें जल्दी दें, दे दें। बस बस ये है कि मैं इस कार्ड से मैं करूंगी दबा के शॉपिंग। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से, मैं भी खैरियत से। तो आज हम लोग करते हैं शुरू। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज मैंने इमरान को कह दिया है साफ साफ कि मुझे जाना है शॉपिंग पर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और घर की कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी लेनी है, कुछ क्रॉकरी भी हमें ख़रीदनी है। तो इसलिए मैंने कहा इमरान से कि चलते हैं, मुझे अपना कुछ ग्रॉसरी भी दिलवा दें, कुछ क्रॉकरी भी दिलवा दें। और जैसे आपको पता है कि सामान वगैरह भी ख़त्म हो ही जाता है घर में, कुछ ना कुछ चीज़ों की नीड पड़ती ही रहती है। तो इसलिए बाकी इमरान से भी पूछा है मैंने कि चल रहा है ना आप लेकर। अच्छा जी, इन्होंने कुछ फरमाइश करी है, आप कुछ सामान वामान बोल रही हैं, पता नहीं क्या क्या लेंगी, मेरी जेब में बहुत सारी चीज़ें लेनी है। अच्छा जी, चलते हैं फिर, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से लेके आ रहे हैं। चलते हैं और इमरान साहब से कहते हैं कि भाई कार्ड वगैरह सब संभाल के रख लें, क्योंकि आजकल ना इमरान बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लगे हैं। और अक्सर पता है वहाँ जाकर क्या कहते हैं, ओह मैं तो कार्ड भूल गया। जी इमरान, मैं ये कह रही थी कि कार्ड वगैरह आपने सब रख लिया है? शनाख्ती कार्ड। वाह भाई वाह, शनाख्ती कार्ड से कोई शॉपिंग करता है बंदा? अच्छा, वो अपना अपना एटीएम कार्ड, शॉपिंग कार्ड जिसमें कैश कार्ड और भी बहुत सारे नाम दे सकती हूँ मैं उसे। ये देखें, ये है हमारा कार्ड जी। तो ये आप मुझे दे देना, लाए लाए इधर दे दें। आप क्या करेंगे, लाए लाए जल्दी दें जल्दी दें जल्दी दें, दे दें। बस बस ये है कि मैं इस कार्ड से मैं करूँगी दबा के शॉपिंग। और अब यह क्योंकि आ गया है मेरे हाथ में, ठीक है ना, जो है ना ये है कार्ड। देख ले, इस बंदे ने कबूल लिया है कि ये कार्ड ही मेरा है। ये मुझे कह रही थी कार्ड 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 का, खैर ये इसका अपना एटीएम कार्ड है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कार्ड है, मगर मुझे शॉपिंग करनी है हस्बैंड के कार्ड की। क्योंकि ये पता है मैंने क्यों लिया है आपसे? नहीं नहीं, ये पता है मैंने क्यों लिया है आपसे? मैंने लिया ही इसीलिए है ताकि मैं ना इसे तो रख के जाऊँ घर में और आपके कार्ड से खूब दबा के शॉपिंग करूँ। देखते हैं इस शॉपर में हमारे पास क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग की है। लेकिन अपनी मैंने इतनी नहीं की है, घर की ग्रोसरी की शॉपिंग की है। और इमरान को आते ही आ गई थी कॉल और वो चले गए हैं किसी काम से। तो अब मैं अकेली ही आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। मैंने लिए थे स्वीट कॉर्न, आप देख लें, ये इंशाल्लाह मैं रेसिपी में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसकी। नेक्स्ट मैंने कोकोनट मिल्क लिया था, ये देखें, ये इसकी भी बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश बनेगी, इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मेरा कंडेंस्ड मिल्क, ये देखें आप, ये मैंने लिया था कोकोनट मिल्क पाउडर, ये देखें। और इसके साथ मैंने ये जेली ली है। और इसके बाद मैंने एक जेली, सॉरी ये पुडिंग ली है मैंने, ये रफान वालों की है। ये मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने दोबारा लिया है ये पेपरी का पाउडर। और ये है पेरी पेरी, ये आप देखें। इसके बाद बस मैंने एक लास्ट में ये बिस्किट्स लिए थे, मुझे बहुत पसंद है। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉपर की तरफ। फॉलो बिस्किट्स लिए थे, डेकोरेट में बहुत काम आते हैं स्वीट डिशेस वगैरह में, 3 पैकेट्स लिए थे मैंने, ये देखें। बाद मैंने लिया था ये चिकन का वाइट कढ़ाई मेहरान वालों का, साथ में मैंने ली थी फ्राइड चाप नेशनल की, और ये शान का फिश मसाला, और ये चाट मसाला था मेहरान का, और ये मैंने लिए थे चिकन पाउडर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा चिकन पाउडर यूज़ करती हैं, तो देख रहे हैं आप, ये कनौर का चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ मैं। और ये लिया था मैंने बिहारी कबाब नेशनल वालों के, इसके
साथ में मैंने शंग्रीला का एप्पल साइडर लिया था और ये मैंने ओरिगानो एक था मगर फिर एक और लेकर आ गई मैं, ये देखें रोजमेरी का बेसल लिया है मैंने और ये देखें इसके तो मुझे प्राइस इतने अच्छे लगे, ये देखें आप 75 रुपीज़ के और ये कुछ इस तरीके से खुलते हैं, ये रही ये नमकदानी वगैरह है, आप गरम मसाला वगैरह रखें इसके अंदर, ये मैंने 3 ली थी, ये देखें 1 ये 2 और ये 3। साथ में मैंने लिया था ये देखें, मैं ये सब हटा देती हूँ और आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखें ये अगरदान है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे हम मिलाद वगैरह करते हैं मिलाद शरीफ वगैरह तो उसमें यूज़ करते हैं अगरबत्ती वगैरह लगा दें, और इसके भी प्राइस थे 65 रुपीज़, ये देखें ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया था। और ऑयल मैंने इस दफ़ा ये तलो का लिया है, वैसे मैं ईवा ऑयल यूज़ करती हूँ, अब देखते हैं ये ट्राई करके इसमें रेसिपी जब बनाएंगे तो कैसी बनेगी। मैंने ब्राउन शुगर ली है और सॉल्ट लिया था मैंने, जो जो याद आता रहा सामान वो मैंने लेती गई। ये मैंने आइसिंग शुगर ली थी, ये बहुत अच्छी है जब आप बेक वगैरह करते हैं चीज़ें बेकिंग वगैरह में यूज़ करने के लिए बेस्ट है, तो ये मैंने 2 पैकेट लिए थे, ये आप देखें ये 1 2। साथ में मैंने बेक पार्लर की ली थी मैक्रोनी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और दूध ऑल पर कर लिया है मैंने, ये देखें ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, ये बिस्किट्स हैं ये देखें, और ये क्रम्स लिए थे, ये पिसा गरम मसाला है ये देखें, और ये साबुत गरम मसाला है, ये मैंने पापड़ लिए थे मुझे बहुत पसंद है, साथ में मैंने ये नेशनल काम का चाय लिया था ये देखें, ये मैंने रेवड़ी ली है पहलवान वालों की चकवाल की है, और ये असली देसी घी की बनी होती है और ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरे शौहर को बहुत पसंद है तो वो जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं ये लाजमी लेकर आते हैं। साथ में मैंने ली है लजीजा वालों की गुलाब जामुन, और राइस मैंने लिए हैं मुगल के, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इसके सेला चावल भी बहुत अच्छे हैं, और ये मैंने लिए सूजी ये आप देख लें। उसके बाद ये ऑलपर के वहाँ पर अभी फ्लेवर आए थे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक चॉकलेट फ्लेवर और साथ में है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये भी ली थी, और ये देख। उसके बाद मैंने ये हेलो फ्लॉलेस का मैंने फाउंडेशन लिया था और इसका रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी, मैं आपको अभी तो इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ, ये इस तरह है और देखने में तो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ताला मैं जब इसका आपको रिव्यू बहुत जल्दी दूंगी तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और ये शर्ट नंबर है 2, इसमें ज़्यादातर 1 और 2 ही वहाँ पर अवेलेबल था तो मैंने ये 2 लिया है, और ये प्लास्टिक में है ये आप देख लें, बाकी जब इंशाल्लाह मैं इसे यूज़ करूँगी तो फिर आपको इसका रिव्यू। और मेरे शौहर ने ये दराहम बॉडी स्प्रे लिया है, उन्हें इसकी अरोमा बहुत पसंद है और वाकई में इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, ये आप देख लें, आप लोग ज़रूर इसको खरीदेगा परचेज करें और कमेंट्स करके बताइएगा कि इसकी खुशबू कैसी है। फ्रेंड्स आज की मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग यही थी, आप इतनी ज़्यादा लेट आए हैं इसकी सज़ा आपको मिलेगी, और वो ये है कि आप मुझे खिलाएंगे चौक बार आइसक्रीम, बल्कि चौक बार नहीं फीस्ट, बल्कि फीस्ट भी नहीं कौन, बल्कि काम करें सब सारी आइसक्रीम लेकर आएं, ये आपकी सज़ा है। और दूसरा ये मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी तमाम ग्रोसरी शॉपिंग शेयर कर चुकी हूँ मैं, और चीज़ें भी देख लें सब रख के आ भी गई मैं जगहों पर उनकी। जी जी अब भाई मैं अपनी करूँगी ना, अभी तो मैंने ग्रोसरी की थी, अब मैं अपनी करूँगी।
हाँ जी चलें जी, तो इसी के साथ जाएंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे कल के अच्छे से ब्लॉग में, अपने रखेगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।